सरदार भगवंत सिंह मान जी ने सब तो पहला सीधी बिजाई का जो कंसैप्ट आ वो अपने पिंड तो शुरू किया गया। पिंड के सारे किसानों को बेनती की हैगी कि सीधी बिजाई जी शुरू की जाए क्योंकि पानी धरती हेठला पानी लगातार थले जा रहा है और जेकर असी पानी ना बचा सके साड़िया आने वाली पीढ़ियां साड़िया आने वाली नसा सानू की कहणगियां। सो सीधी बिजाई का कंसैप्ट जिहड़ा कि शुरू किया गया और सारे किसानों ने पिंड सतौज के सारे किसान सहमति प्रकट की और अपने विचार भी प्रकट किए हैं कि हो सकता की नहीं हो सकता। बहुत अच्छे जी अज की मीटिंग हुई है। सो सारे किसान भरावान का बहुत बहुत धन्यवाद। जिहड़ा खर्चा आता गा लगभग 1500 रुपए सरकार दे रही है जो सीधी बिजाई करेगा पर प्रति एकड़ 1500 रुपया सरकार देगी। सो इस कंसैप्ट के मैं समझता बहुत फायदा जो है पंजाब को। पिछवाड़ा कोल पिछवाड़ा जी कोल माइन सी बड़े लंबे अरसे तो बंद पई सी पुरानी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिता सी उस जी खाण पंजाब की सी पंजाब सरकार ने पुराने खरीदी हुई सी उते कोई काम नहीं हो रहा सी। मान साहब ने फैसला किया गा पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने फैसला किया गा वो जी कोले की खाण उस कोला लिया जाऊगा और जी बिजली की घाट आ वो पूरी हो जाऊ उस दिन। नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने सवाल उठाने दो क्योंकि पंजाब के लोगों ने सबक सिखाता उन्होंने और उन्होंने सानू समा देना चाहिए। असं समय से काम कर रहे हैं। सब तो बड़े फैसले लामिसाल फैसले नौजवानों के हक में किसानों के हक में व्यापारियों के हक में सरकार ले रही है। सो उन्होंने थोड़ा जहाँ थ्रमे तो कम लेना चाहिए। बिल्कुल जेड़े सब सारे पंजाब जिन्हें नजायज कब्जे किए हुए हैं कि सब की बेनती है कि अपने कब्जे छड़ दो जोड़ा कब्जे नहीं छूगा उन्होंने जो है बलडोजर ना छड़ाई जाओ। बीबी भट्टल जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है। सो उन्होंने कानून के मुताबिक वो कोठी छड़ देनी चाहिए है।